हेलो एवरीवन, मैं अनीता, अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू और सोयाबीन की सब्जी, जिसको झटपट बनाने के तरीका मैं बताती हूँ आपको। सब्जी के लिए सोयाबीन की बड़ी मैंने भिगो कर रख दी थी सॉफ्ट करने के लिए। टमाटर है, प्याज और आलू, आलू धो के काट लिए। प्याज और टमाटर को मिक्सी में पीसूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने सोयाबीन की बड़ी को फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें बड़ी डाल देती हूँ। मैंने निचोड़ के रख दी थी सोयाबीन की बड़ी, इसके लिए डाल देती हूँ। जब तक ये धीरे धीरे फ्राई होगी ना हल्की हल्की सी, इतने में ये टमाटर प्याज पीस लूँगी। सब चला देते हैं। हल्की हल्की फ्राई हो जाती है। ये प्याज मैंने पीस दिए, तो कटोरी में निकाल लेती हूँ। इतने ये भी हो रही है सोयाबीन की, ये बड़ी हो रही है। अब प्याज कटोरी में निकाल के टमाटर पीस लेती हूँ। ये बड़ी हो चुकी है, इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तेल में आलू फ्राई कर लूँगी मैं। सोयाबीन की सब्जी बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, वो थोड़ा जल्दी बन जाती है सुबह सुबह। अभी आलू थे, आलू को भी इनको ही फ्राई कर लेती हूँ इसमें ही, इसी तेल में। थोड़ा फ्राई करने से टेस्ट अच्छा आता है। जितने फ्राई हो रहे मैं टमाटर पीस लेती हूँ फटाफट से। ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अगर आप फ्राई करके ना बनाना चाहो ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ मसाले भून के वो भी अच्छे बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि भून के बनाना है, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है फ्राई करने से, लेकिन दोनों तरीके से अच्छी बनती है। अगर सुबह आपको ज़्यादा जल्दी है तो सोयाबीन की बड़ी भिगो के और आलू काट के वैसे ही बना सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसे मसाला भूनूंगी मैं, बस ऐसे भुने मसाले में डाल के, चाहे तो कुकर बना सकते हो, कढ़ाई भी बना सकते हो। कुकर में एक सीटी लगा के बन जाएगी फटाफट से। अभी ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसमें डालेंगे लौंग दो तीन और काली मिर्च, एक छोटी हरी इलायची, ऑयल गर्म हो चुका है ज़्यादा, इसमें डाली थी प्याज,
चला देते हैं, थोड़ा गोल्डन होने देते हैं प्याज को। ये प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, मैं थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं तो भी चला देते हैं डाल के, जो टमाटर पीस के रखे थे वो डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, थोड़ा सा डालूंगी मसाले, इसमें डालू एक चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। हम इसको चला लेते हैं, अब इस मसाले को जब तक तेल छोड़ दे ना, ये इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए, तेल छोड़ देगा अच्छे से। ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल भी छोड़ दिया है इसने। अब इसमें से आलू या सोयाबीन की जो बड़ी है डाल देंगे, चला लेते अच्छे से। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी डाल रहे हैं, ये जो बड़ी है ये सारा पानी सोख लेगी जब तक आलू पकेंगे। थोड़े से आलू तो वैसे हमने फ्राई कर लिए थे, वैसे आलू तो पक चुके हैं, 5 मिनट के लिए और पकाने बस। ढक्कन लगाते हैं और रख देते हैं 5 मिनट के लिए। ये सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, इतने से तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा मेरी आवाज़ ख़राब आ रही होगी, मेरा गला ख़राब हो रखा है, इसमें मेरी आवाज़ भारी भारी आ रही होगी कि 2-3 से तबीयत भी ठीक नहीं है। थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी, और ये सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है अच्छे से। चला देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ मैं, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।